हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को और एक नया ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम लोग रात को सुबह हम लोग 4 बजे उठ गए थे, हम दोनों पति पत्नी। तो उठने का साथ साथ देखा थोड़ा अंधेरा अंधेरा था, तो फिर और मैं बिस्तर में लेट गई, उसके बाद फिर सो गई। और सोने का बाद अभी उठे हैं हम लोग 7 बजे। देखिए, अगर नहीं सोते ना तो खूब सारा फायदा होता, घर का काज काम को वगैरह सब कुछ कर लेता और थोड़ा खेत का काम भी कर लेता, इसलिए सुबह सुबह उठना चाहिए। अंधेरा देखा था ना, तो मैं फिर सो गई क्योंकि डर लग रहा था मुझे। काले से भी एक तो लड़का यहाँ पे मर गया, तो उसी के बारे में सोच सोच के मैं डर भी गई थी। और ऐसे भी बारिश हो रहा था, 4 बजे थोड़ा बारिश दिया है यहाँ पे, फिर से धूप निकल के आ रहा है, फिर से ये गर्म वाला धूप आ रहा है, ठंडा वाला तो चला गया 4 बजे। तो अभी देखती हूँ क्या करती हूँ। मुझे तो मोटर वगैरह भी लगाना है, लगाना ही बोलेंगे गैस, मुझे बोलना नहीं आता तो लगाना ही बोलेंगे। और ना वो हम लोग का घर पे कुछ मेहमान भी आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं राइस जो बिस्कुट होता है वो बना दूँ सोच रही हूँ, क्योंकि खिलाने पिलाने के लिए कुछ तो नहीं है। तो राइस ही वो क्या बोलता है, राइस बिस्कुट है तो हम लोग बोलते हैं बिनिसोल, वो सब है तो उसको भिगो के रखना पड़ेगा अभी। तो पहले साफ करेंगे उसके बाद भिगो के रखेंगे। और पता नहीं उन लोग खा पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वो टाइम लगता है ना, इसलिए तो जल्दी जल्दी कर लेते। बिको के आधा घंटा जैसा रखूँगी, उसका मैं मिक्सर मशीन मिक्स करूँगी और खूब अच्छे से बनाऊँगी। बहुत सारे पूछते हैं तो बच्चे का प्लान, तो क्योंकि अभी मैं अगर बच्चे इस महीने में प्लान करेंगे ना तो गर्मी में पैदा होगा, सच बार आज मैं पहली बार बता रही इस तरह से। तो आप लोग बुरा मत बना, बोलना मत शर्म नहीं है, वो नहीं है। तो हर किसी को तो अच्छा लगता है अगर शादी करने के बाद माँ बनना बाप बनना। तो अभी गर्मी का सीजन है गैस, मेरा बच्चा भी गर्मी में पैदा होगा, तो इसीलिए प्लान वगैरह कुछ भी नहीं बना रहा है। तो अक्टूबर नवंबर में सोचते हैं, क्योंकि अगर उसमें प्लान वगैरह करेंगे ना तो बच्चे भी ठंडी का सीजन में जन्म होगा, वो भी ठंडा ठंडा रहेगा, है कि नहीं बताइए। आज मैं पहली बार इस तरह से बात कर रही हूँ, बुरा मत करना, क्योंकि कुछ लोगों को शायद मेरा बातें अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए गंदे गंदे कमेंट करते हैं। और कुछ लोगों को अच्छा लगता है इसलिए प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया में आए हैं तो सब लोग तो पसंद करेंगे, ये बात भी नहीं, कुछ तो हेट करने वाला होता है ना, तो हक बनता है उन लोगों का भी, तो कोई बात नहीं। तो अभी मेरा जो बिनिसर बोला था उसको बिगा देती हूँ। और गैस ना, मेरा चैनल में नया है ना, जरूर सब्सक्राइब करते जाना, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी करना, शेयर भी करना, लाइक भी तो देना, अगर अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो मत कीजिएगा, आप लोग का मर्जी है। अभी आई हूँ गैस सब्जी ढूंढने के लिए, हम लोग का घर पे मेहमान लोग खाना खाएंगे बोला है, तो उनके लिए मैं सब यहाँ पे ये स्नैक गट ये खिलाएंगे, चिकन खिलाएंगे। मुझे तो ये छोटा छोटा वाला ये अच्छा लगता है बॉयल करके, काफी सारा है यहाँ पे, बारिश दिया था ना इसीलिए पूरा वो बालू बालू हो गया है। पम्पकिन का साग खिलाएंगे उन लोग को, इतना सारा पम्पकिन लग रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं गाइस बहुत सारा है। इतना सारा साग तोड़ लिया है, फिर से मुझे और तोड़ना है, और साग तोड़ने से भी मरोम लगता है, क्योंकि ना ये देखो पम्पकिन लगा हुआ है, हर साग में पम्पकिन लगा हुआ, देखो ये वाला को हम अभी तोड़ेंगे ना तो ये पम्पकिन पूरा खराब हो जाएगा, ये भी खराब होगा जो आप यहाँ पे छोटा वाला दिख रहा है, और इधर भी पूरा खराब हो जाएगा। फिर भी मैं जो पम्पकिन नहीं होता है उसी से देख देख के तोड़ रही हूँ। देखो ना गाइस, पूरी बनाते समय मेरा हाथ में क्या हो गया, तेल गिर गया था, जब भी खाना बनाते हो ना कुछ गिराते रहते हूँ मैं भी, इधर से तोड़ लेती हूँ। और यहाँ पे है कुच्चू, हम तो खाते नहीं है इतना, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है ये कुच्चू सब्जी, ये सब एक बार भी नहीं खाया इस साल में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है मुझे।
इतना जंगल हो गया, अभी जंगल सील भर के जाना पड़ा। ये पहले अदरक का खेती था, चोरी करके खा लिया तो ऐसे ही जंगल रख दिया है, सफा भी नहीं किया है। अदरक नहीं है तो क्या करेंगे ना सफा करके। यहाँ पे देखो अदरक है, इसमें भी यहाँ से मैं अदरक का पत्ता लेके जाऊंगी, उसमें अलग तरीके से खाना बना के खिलाऊंगी। मुझे क्या क्या इट ब्लॉक्स ने खिलाया था ना चिकन, वही बनाऊंगी, क्योंकि इतना टेस्टी था वो चिकन। मैं फर्स्ट टाइम खाई थी मणिपुरी स्टाइल, इतना ज़्यादा अच्छा लगा गाइस। नागालैंड में जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे खाना। तो मैं यही पत्ता आज मैं बना के देखूंगी, पता नहीं कैसा होगा मेरा रेसिपी। यहाँ पे मैंने कल बेम्बो वगैरह दे दिया था, तो आज फिर से मुझे उस तरफ देना है। और देखो लाई पत्ता तो है बुलबुल, लेकिन लाई पत्ता नहीं खिलाएंगे, पम्पकिन का साग खिलाएंगे। साग तोड़ने के बाद मैंने साग को साफ किया है और यहाँ पे साग को सरा दिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिर्ची का चटनी, चिकन दे दिया है, नमक दे दिया और हल्दी देना बाकी है, और भी चीज़ बाकी है तो अभी नहीं देंगे, थोड़ा देर में ही दे देंगे। और यहाँ पे देखो चिकन मेरा देवर ने ला दिया है, इसको बोला था कि जाओ चिकन लेके आओ, हम लोग का घर पे मेहमान आ रहा है, तो 1 किलो चिकन लेके आया है। आज मैं अलग स्टाइल में खाऊंगी गाइस। मैंने पहले भी बताया है कि मैं नागालैंड में जब खाई थी के इट ब्लॉक्स का घर पे, वही मुझे बना के खिलाया था ये अदरक का पट्टा के साथ, तो आज मैं बना के देखूंगी, देखते हैं मेरा रेसिपी कैसा होता है। और भी सब्जी वगैरह बनाना है, सबसे पहले तो मैं ये दो चीज़ बना लेती हूँ, उसके बाद जो जो बनाना है वो बना लूँगी। बैगन का सब्जी रेडी हो गया, यहाँ पे चावल चरा दिया है और यहाँ पे चिकन बना रही हूँ मैं गैस। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं डाला है इसमें, बस ऐसे ही इसमें जो पानी रहता है पानी को छोड़ने के लिए मैं गर्म कर रही हूँ। और ना गैस पता नहीं कैसा होगा, पास्ता बना रही हूँ मणिपुरी का स्टाइल का चिकन, तो यहाँ पर भी रखा हुआ है, ये मैं बाद में इसी तरह से बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बना के देख रही हूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन डाला और हरा मिर्च 2-3 तो डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया और अदरक का पत्ता डाल दिया, पता नहीं स्वाद कैसा होगा। तो गैस मैं नेक्स्ट बार मैं आप लोगों से ये रेसिपी जरूर शेयर करूँगी, अगर अच्छा हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं करूँगी। फिर से यहाँ पे मैं दूसरा चिकन बनाने के लिए पूरा तैयारी किया हूँ। यहाँ पे प्याज काट दिया है और यहाँ पे मिर्ची, देखो मिर्ची बहुत ज़्यादा डालेंगे, और यहाँ पे लहसुन थोड़ा सा मैंने पीस के रख दिया है। ये सब्जी तो रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है गाइस, लेकिन कैमरा में बहुत गंदा लग रहा होगा, तो थोड़ा स्वादिष्ट हुआ है। और टमाटर नहीं है, टमाटर खत्म हो गया है, तो इसलिए मैं टमाटर नहीं डाल पाई हूँ। और फिर से यहाँ पे मैं दूसरा चिकन बनाने के लिए प्याज वगैरह डाल दिया है, अभी इसमें डालना है क्या डालेंगे, हाँ हल्दी नमक ये सब डाल देना है, तो मैं अभी वीडियो शूट नहीं करेंगे, सीधा डाल देती हूँ। यहाँ पे चिकन वगैरह रेडी हो चुका है गैस, तो अभी खाना खाएंगे, मुझे भी इतना भूख लग रहा है। हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, ऐसे ही रहते हैं, तो बहुत टेस्ट भूख लग रहा है, तो अभी बाहर निकाल ले रहे हैं चिकन खाएंगे। चिकन चिकन लगता है मेरा पतिदीप का मुंह में पानी आ रहा है, मुंह से आ रहा है, हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है। सिकोन 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 गैस, खाना बना के खाना रेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 12 से ज़्यादा हो गया होगा, तो मुझे भूख लग रहा है। तो दीदी लोग तो 1 बजे खाते हैं बोला है खाना, लेकिन मुझे भूख लग रहा था, खाना भी निकाल लिया है यहाँ पे, देखो खाना ये दीदी ने निकाल लिया है, मुझे चावल निकालने के लिए मदद किया है। चावल जल गया, चावल जल गया, 2 बार छीती मारा, छी छी कर ना। अभी हम लोग सब लोग खाना खा रहे हैं, ये देखो मेरा देवर तो बैठ गया है, सुंदर लड़की का सामने ही बैठ गया है। हमने बोला इस तरह बैठो, लेकिन बोला नहीं भाभी हम इधर ही बैठे, चालू है बहुत मेरा देवर, वहाँ झूठ बोला, इतना गर्मी नहीं, देखो ना बाहर में धूप भी नहीं है, बात कर रहा है। अच्छा से खाना खाओ ना, जो पसंद है वो ले लेकर खाओ, खाना वगैरह खाने के बाद फिर से दोस्तों यहाँ पे बिस्कुट बनाने के लिए पूरा तैयारी चल रहा है। कोकोनट काट लिया है और नमक मिला दिया है, और वो क्या होता है उसका, और एक चीज कुछ बोलते हैं सोदाना, क्या बोलता है सोदा मिला या? हाँ वो ही मिला दिया, अभी थोड़ा सा मिला दिया, इतना सा दे दिया था, अभी पानी से ये मिक्स करना है, मजा से खाएगा ना। यहाँ पे मैंने चाह जो चाव इसको क्या बोलूँगा, बिस्कुट बनाने के लिए
फिदेगुड़ी बोलते हैं हम लोग बिनीसलोगुड़ी। तो ऐसे करके रख दिया पूरा गोटा गोटा यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मिक्सर नहीं हो ना इसलिए। तो यहाँ पे दोनों देखो हम लोग को इतना प्यारा सा गिफ्ट मिल गया है ये बितुल भाई का, उसके लिए ना बहुत अच्छा लगेगा इसके ऊपर। प्रोटेस्टिंग करते हैं, प्रोटेस्टिंग करते बोल रहे, पता नहीं कैसे होगा, अच्छा लगेगा इसके ऊपर, मतलब हम कलर को देख के सूट करेगा बोलते। ये पेन के हम डांस करेगा कल दीजिए मैं, लेकिन शॉपिंग मॉल का बदबू आ रहा है, ऐसी का बदबू हाँ जेक है, ठीक ही तो है, मोटा भी है, ठीक ही है, ये यहाँ में टाइट तो नहीं है ना, नहीं होगा टाइट। और ये मेरे लिए है, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा सा गिफ्ट है ये, जरूरी तो नहीं है आप लोग को, लेकिन मेरा बहुत प्यारा गिफ्ट है ये, कलर भी अच्छा, मोबाइल पकड़ो, बहुत प्यारा है। इधर में ट्रायल रूम नहीं है, ये हम इसके इसके ऊपर भी पहन लेते हैं ना, आपको देखने का मन हो नहीं है, नहीं हुआ फिट हुआ, आपको मीडियम घुसेगा, मीडियम ही है वो, लेकिन ये लगाया ना प्रगना, प्रगना थोड़े के बाद भी हो सकता है ना, पूरा सेट में पहनो, हो जाएगा पान पान में पहनेंगे, दुपट्टा मस्त लगेगा ना, सुंदर है, मैं आईना में एक बार देख लेती, मैचिंग है ना, अगर हम थोड़ा मेकअप वगैरह कर लेंगे और सुंदर लगेंगे, अभी तो पूरा जुरल बन के खड़ी हूँ, पर बहुत सुंदर है, पसंद आया, थैंक यू, प्यार से ला दिया, तो प्यार से थैंक यू बोल रहे। और गैस अभी मैं फिर से अपना दोस्त के लिए मैं यहाँ पे पकोड़े बना रही हूँ देखो, और यहाँ पे बनाकर भी रख दिया है, एक्चुअली बुरा फीते बनाने के लिए मैंने कोशिश किया था लेकिन हो नहीं पाया है, क्योंकि ये पूरा गोता गोता रह गया, मिक्सिंग नहीं हुआ है। और फिर से यहाँ पे अपना पति देव को बोला हूँ मिक्स हो, मिक्सिंग करने के लिए, तो कर रहा है, और वहाँ पे मेरा देवर देखो पूरा राजा की तरह आराम से बैठ कर देख रहा है उसका बाइक को। यहाँ पे मैंने इतना पकोड़े बना लिया है, आप लोग देख सकते हैं गैस, और इधर भी है, और यहाँ पे भी बना रही हूँ, और इधर भी थोड़ा सा बचा हुआ है, पता नहीं कब कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा आलसी लग रहा है, गर्मी भी है, धूप है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं इतना धूप नहीं है, बस गर्म तो है ही है। पकौड़ा वगैरह तो खा लिया, ये एक किसके लिए रखा है, हम खाएगा, अच्छा अच्छा हुआ, इसको हम होटल में खाएगा, इतना ज्यादा अच्छा लगा है देखो, बहुत अच्छा लगा, हाँ ठीक है, फिर से आ जाना ना, बहुत अच्छा लगा, फिर से आ जाना, यहाँ में वन वीक तो बीतेगा, आना जाना तो होते रहेगा, हाँ होते रहेगा, खाते मिल जाए ना फिर दोबारा, हाँ हाँ ठीक है। वहाँ पे मेरा दो दोस्त लोग आया था, वो जा रहा है, मेरा भी नहीं इसका भी था, सबका दोस्त लोग था, और यहाँ पे देखो इसका नहीं था, वो सुंदर लड़की गर्लफ्रेंड था क्या, इसको गर्लफ्रेंड की जरूरत है, अच्छा तो सुबह सुबह के मोबाइल से बात कौन करता है, अच्छा कर दिया होगा, डिलीट कर दिया होगा, इसलिए नहीं होगा, सुना था ना, फोटो भी दिखा था ना तुमने, मैंने भी दिखा था, झूठ नहीं बोल सकता, इसको लड़की चाहिए ना, हाँ सही है, जितना हो सके जल्दी लेके आओ बहू, हाँ अभी तो छोटा है, अभी कितने साल का हो गया, कम से कम अभी इसका जैसा ना, इसका तो 28 में ना शादी हो गया था ना, वैसे होने दो, थोड़ा बुद्धा बुद्धा होने दो, उसके बाद शादी कर लेना, हाँ। तो पकौड़े वगैरह तो खिला लिया है दोस्तों, और पकौड़े उतना ज्यादा अच्छा लगा है उन लोग को, तो अभी जो बच्चा हुआ ना वो लेके जा रहा है, पता नहीं किस साइड जा रहा है, बता रास्ता बता दिया, हाँ सही रास्ता तो जा रहा है, उधर से तो जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, वो वापस आ गया, फिर से आ गया ना, अच्छा
और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है ये लोग आए हैं हम लोग का घर पे घूमने के लिए और बहुत ही ज्यादा हम लोग बातचीत किया है और बहुत मस्त है और सुंदर सुंदर भी है। एक तो शादीशुदा है और एक तो शादी नहीं किया है तो थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लेते हैं। मैं भी सुबह से लगातार मैं खाना बना रही हूँ, सब्जी ढूंढ रही हूँ और खाना खाने के बाद पकौड़े वकौड़े हर चीज़ तो बना लिया है। तो मौसम तो अच्छा हो गया, पूरा ठंडी ठंडी हवा आ रहा है, इतना धूप भी नहीं है, बहुत ही मस्त है। देखो हंस का वेदर बहुत क्या बताओ, बहुत ही सुंदर है गाइस। दोस्तों लोग जाने के बाद फिर से मैं इतना अच्छा लगा है मुझे, फिर से मैं पहन के देख रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं गाइस इतना प्यारा सा है। और मेरे ऊपर कैसा लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना कि हाँ प्रियंका तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि सूट कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्रीति लग रही है, जरूर ये बात कमेंट करना। अगर नहीं कह रहा उसको ब्लॉक कर देगा। नहीं करेंगे, बस मूड लटका के कमेंट देख के मूड लटका के बैठेंगे। अभी गैस धीरे धीरे करके सूरज भी डूबना स्टार्ट हो चुका है और ये तो अभी तक सूखा नहीं है। मैंने यहाँ पे केरला सूखा सूखने के लिए दे दिया था, आज थोड़ा धूप कम था इसलिए नहीं सूखा है। तो मैं यहाँ से देखूंगी अमृत, क्योंकि ना यार आया काटा लग गया, देखो थोड़ा थोड़ा खून निकला रहा है। इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हूँ, इधर है इधर, पता नहीं पका है या नहीं पका, मतलब पका ही नहीं है, कच्चा कच्चा है, नहीं तोड़ूंगी अभी, दो तीन दिन हो जाएगा तभी पक जाएगा ये। अभी चलता है उस तरफ क्योंकि जो भाभी है मेरा भाभी, तो जो सीम है ना उसमें वो बेम्बो दे रहा है। देखो गाइस आप लोग कमेंट करके बता रही है खाते है या नहीं खाता है, इतना सारा है, अगर किसी को खाना है तो मेरा घर पे आके लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने भी नहीं खाया। देखो इतना पका हुआ मैं तो खाती भी नहीं, ऐसे ही रखती हूँ, इतना सारा है। तो पिचली और नंदू को बोलना पड़ेगा यहाँ से लेके जाओ, क्योंकि उन दोनों खाते हैं, अच्छा लगता है खाने में, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। बहुत सारा है इधर, बाजार में भी बेच सकता है लेकिन हम बेचने के लिए नहीं जाते, इतना सा ये इसको बोलते हम लोग गुमसो, गुमसो के लिए क्यों बाजार लेके जाए ना, और भी सब्जी होता तो लेके जाती हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारा है, यहाँ पे इतना सारा लकड़ी दे दिया है, लकड़ी बोलेंगे बेम्बो दे दिया है, लकड़ी दे दिया है, बहुत सारा दे दिया है, मेरा भी बाकी है देना, तो मैं तो इस तरह से नहीं दूंगी। भाभी तो पूरा इस तरह से दे रही है, देखो यहाँ पे एक लकड़ी ये बेम्बो बांध देगा फाड़ के, यहाँ पे देख सकते हैं। और उधर है मूली का खेत, मूली का खेत भी दिखाते हैं आप लोग को हम, यहाँ पे देखो मूली का इतना अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ मूली, देखो एक हफ्ते में पूरा मूली बन जाएगा, अभी तो बड़ा साग ही है, एक हफ्ते के अंदर में मूली बन जाएगा। ऐसे कर जाए देने से ना गैस बीच में घुस के पूरा वो सीम वगैरह तोड़ सकते हैं, जो मैंने दिया है उस तरह से थोड़ा तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन मेरा करने वाला नहीं है, अकेले ही हूँ इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ, भैया और भाभी दोनों मिल के ये सब कर लेते हैं। मेरा पतिदेव तो बिजी रहता है इसलिए वो नहीं कर पाता है ना, और काल भी क्या बोलता है उसको टोकू पत्ता, हाँ टोकू पत्ता काटने के लिए जाना है, उसको बेम्बू काटने के लिए जाना है, आज तो दोस्त लोग आए थे ना इसलिए काट भी जा नहीं पाया, काट नहीं पाया है, तो कल ही सुबह वो चला जाएगा, तो उसका बाद फिर हम लोग का बनेगा किचन, प्यारा सा किचन बनेगा गैस, तो देखते हैं कितना कैसे करके बनाते हैं। और कल जो किचन बनाने के लिए जो मिस्त्री लोग है ना वो कल आएंगे मिस्त्री लोग, तो उसको उन लोग को दिखा देंगे किस तरह से बनाना है कैसे नहीं बनाना है, तो उसका बाद बनेगा हम लोग का किचन। यहाँ पे देखिए गैस, ये हम लोग बोलते हैं हदा भिगो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है दांत के लिए भी, ये इस्तेमाल करते हैं और बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, टाउन में तो ऐसा नहीं मिलता होगा लेकिन हम लोग का मतलब अवेलेबल, हम लोग उसको छूते भी नहीं देखते भी नहीं है, फिर भी आप लोगों से मैं दिखा रही हूँ। फूफू बा इतना मच्छर आ रहा, पता नहीं आज क्या हो गया, शायद फिर से बारिश देगा क्या, यहाँ पे देख सकते हैं तो मच्छर खा रहा ना, अभी मोबाइल का नहीं टक करके मर दे, हाँ ये भाग गया मच्छर भाग गया। मम्मी यहाँ पे साग वगैरह ढूंढ रही है शाम के लिए, क्योंकि हम लोग जल्दी ही खाना खाते हैं, 6 बजे ऐसे ही खाना खा लेते हैं। देखो मम्मी क्या तोड़ रही है, शायद मारेक साग बोलते हैं ना वही तोड़ रही होगी, क्योंकि बहुत ही ज़रा अच्छा लगता है। देखो मच्छर के मारे पूरा ये
अगरबत्ती ना क्या बोलता है वही लेके आया है। देखो ज्यादा है, मच्छर ज्यादा है बोल रही है। यहाँ पे देखो यही इसको होइदे मिला और ये साग मिल थोड़ रही है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा खाते हैं गैस, आप लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं जरूर कमेंट करके में जाके कमेंट करना कि हाँ हम लोग ये खाते हैं करके, तो पता नहीं वो आपके वहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है। बहुत सारा है हम लोग को यहाँ पे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर देना। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, क्योंकि लंबा वीडियो देखना आप लोग बोर हो जाते होंगे। तो अगर अच्छा लगा ना लंबा वीडियो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रियंका तुम और लंबा करके वीडियो बनाओ, वो बोलना कि मैं और लंबा करके वीडियो बनाऊंगी। तो मिलता है फिर से और एक नया ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट, लव यू।